यहाँ हाथ जोड़े बहना नरचल, तू जो बोलेगी वही होगा। एक शर्त पे अंदर जाऊंगी, शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर तू घर से बाहर हो तो मैं घर के अंदर जाऊं, तू घर से बाहर निकल, हाथ में बांस, एक मोटी सी साड़ी, गजी का लहंगा, एक शेर जो मिलेंगे पीस के नमक रख के खाएगी। इतनी छोटी सी तो बात है। चलिए महाराज मैया सुनीति ने हाथ में बांस लिया, मोटी सी साड़ी, बड़ी प्रसन्न है, मेरी छोटी बहन के एक पुत्र होगा, लोग मेरा नाम पांच मन से मिटा देंगे, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। एक दो दिन ना, दो महीनों ना, छह महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। सौत ऐसी आई कि अपने पति की छाया वो सुनीति पर नहीं पड़ने देती। और जो पतिव्रता औरत होती है, जो 24 घंटे पति के साथ रहे, वो भला छह महीने कैसे काट पाएगी। रात्रि के 12 बजे मैया सुनीति ने विचार कियो कि जो जीवे से तो मर जाए वो अच्छो है, जो 6 महीना से पति को चेहरा ना देख पाए रहे। बहुत परेशान हुआ ऐसा, अरे दुख की मारी मात और अटा से नीचे आई, कुमार के दुखिया रोए रही दुखियारी, अरे दादा गति अपरम पार उलझिए कांटे न में साड़ी भैया, जहां सर्प रहते जो जिसे बामी बोलते हैं, तो वह मैया बामी के पास खड़ी है गई। मात जब बामी पे ठहरी, दादा पैरन की वही आवाज निकल के आई, सर्प सो बोली, अरे बच्चा आज मेरे संकट को मातो, अरे भैया मो पे दुख सो नहीं जा तू ललाट।
हमें उंगली में डस ले। सर्प ने जवाब दो, मैया मैं इंसान नहीं हूं। क्यों? इंसान बेवजह किसी को सता सकता है, लेकिन मैं बेवजह नहीं सताऊंगा। तू यहां से जा। दादा जब मैया जंगल में पहुंची, मरने के लिए तैयार हुई, पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले क्या कर रही है? अरे रुक। सो पीछे मैया ने देखे तेजस्वी संत खड़े। बोले क्या करने जा रही है? मैया सुनीति बोली, बाबा मैं मरने आई हूं। क्यों? महाराज अब ये तो आप बताएंगे, क्योंकि अगर आप सच्चे संत हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ, एक औरत, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है। बंधु आज बाबा नारद ने जवाब दियो कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो होता है नारद। बोले लाड़ो हमें एक बात बता, का वर्षा थोड़ी वही और कह कहूंगो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली ना वर्षा थोड़ी वही और ना कहूंगा किसान, खेत बीज कोड़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी। बोले अच्छा तेरे कोई संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। अरे पगली मरने आ गई, लौट जा। नहीं बाबा नहीं जाऊंगी, लौट जा। और अगर मैं बोल दूं कि बेटा हो जाएगा तो क्या करेगी? तो मैया बोली अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले ए लड़की, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की लीका। तो जवाब दो मैया ने बाबा, और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं उमेश सांवरिया भैया जी फिरोजाबाद एका से, उमेश सांवरिया। और संत श्राप को सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कामना करते हुए कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हमको पूर्ण हो, माता रानी की कृपा दृष्टि बनाए रखे, विलास और आकांक्षा है। बोलिए माँ सजन की सूरत लिख नहीं पाए रे
कि मैं कहीं की नहीं रही। अरे महाराज, बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। बाबा नारद बोले लौट जा, लल्ला का माई जोली में पड़े जो उठाए के पकड़ाए थे। एक बात और, बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये देवी देवताओं में लड़ाई न करवा ले तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। बड़े अजीब थे बाबा। एक दिन सभा लगी तो सभा में प्रश्न उठ गया कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या है। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे अनमोल अगर कुछ है तो वो है प्रेम। बाबा नारद बोले जी कहाँ है? बोले ये भोले बाबा और मैया पार्वती में है। नारद बोले सोच लो, ज्यादा प्रेम है क्या? बोले बहुत है। फिर बोले ठीक है, हम जाहिर है देख रहे कैसो प्रेम है। सो नारद पहुंचे, मैया पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पर बैठी। बोले मैया प्रणाम करता हूं। बोले आओ नारद बैठो। मैया भूख लगी, भोजन करा दे। करो भोजन, करो भोजन, करो पानी पियो। बैठ गई। सो चारों तरफ निगाह डाली, महाराज को भोले बाबा दिखाई नहीं दे। पूछी मैया भोले बाबा दिखाई नहीं दे रे, कहाँ गए? नारद की बात सुन के मैया बोली, अब कहूं घूम रहे हो, तुम्हें तो पता है कि वे सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। नारद सोचन लगे, बस बन गई बात, होएगा काम। बोले मैया कछु कहने है? कहो नारद का बात है। बोले मैया हाँ हाँ बोलो, तू बुरो मत मानी। अरे अब तुम बोलो नारद, तुम हमारे लला जैसे हो। बोले मैया सुबह ही सुबह बाबा निकल जाते हैं तो हम सही बता रहे, तेरे अलावा उनके छह सात पत्नियां और। पार्वती बोली बैठो भोजन करो और चुपचाप निकल जाओ, यहाँ बुराई भलाई करने की जरूरत ना है। बोले जे ले, जे मानी ना रही, हम तो सौगंध खा रहे कि तेरे अलावा उनके छह सात और हैं। अब भाई कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही। सो बोले आज मान दे। बोले मैया एक बात और है। बोले का? बोले हमें जब बता, तू कह रही कि हमें बड़ो प्रेम करें, तो मैया जे बता दे जो उनके गले में मुंडन की माला पड़ी जो कहां से आई। बोले हमें तो पता ही नहीं। बोले तो ही पता ना, उनने कमो बताई नहीं तो खा को प्रेम करे। मैया बोली आज बस आए जान दे, आज इनसे हम बातें ही कर ले। अब इतने से नारद को निकरबो, वो होते से भोले बाबा को आए वो बहु। सो प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? नारद बोले वे कैलाश पर्वत से ही आए रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा सोचने लगे, वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही होगी। अब देखने जाए कि कह के आए हो। वैसे तो पार्वती लाई गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं निकली। बोले हाँ बोले, सुनती हो? अरे ओ देवी सुनती हो? नहीं बोली। अरे देवी सुनो तो। पार्वती भीतर से बोली, वे छह सात उन्हें सुनाए दो जाए। अरे बोले पानी तो दे दो, जवाब दो, वे छह सात उन्हें भी पी लियो जाए। समझ गए भोले बाबा, नारद कान भरी गई। सो अंदर पहुंचे, बोले देवी का बात है बताओ, दूर एकदम दूर रहो, दूर से बात करो। बोले का है वो भैया महारानी, का बात है? बोले हमें जब बता, हमारे अलावा तुम्हारी छह सात पत्नियां कौन है? बाबा नारद बोले, वो भोले बाबा बोले छह सात? किसने बोला? बोले हमें बता दो, हम मायके जा रहे। अब बहुत हो गई, तुम सवेरे सवेरे निकल जाते, शाम को आते, वही हम कहें तुम हमें प्रेम ही ना करो। बोले आ बोले, अरे ओ पगली,
किसने बोल दिया कि मेरे 6-7 हैं? बोले सौगंध खाइए, आपकी सौगंध खाता हूँ, मेरे 6-7 पत्नियां कोई नहीं, और तुम्हें लगता है तो वो स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कहीं शैल पुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती, कहीं कुछ, आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, स्वयं आप मेरी पत्नी हो। अब हमें जब बता, जो गले में मुंडन की माला पड़ी, जो कहां से आई? ये किसने बोला? बोले नारद ने। बोले जे इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले मेरे सिर? हाँ, आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता, आपसे मेरा इतना प्रेम है। जो जब बात सुनी सो बाबा नारद बोले नारायण नारायण। बोले वा बोले आए गए? बोले आए गए। हम अजवाए को आए कि कितनों प्रेम है, तुम तो लड़ गए दोनों। सो मैया बोली जय कह के गए। बोले आ बोले नारद खूब आओ, खूब बैठो, लेकिन जे दो चार बातें झूठी सांची इनते मत लगा, हम रो रो जवाब ना दे पे। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे थे नारद, मैया सो बोले लौट जा लाड़ो, और एक काम करना। क्या लला? शाम को भोजन थोड़ो खाइए, किसी की भी बुराई मत करना। और ये सत्य माताओं, गर्भावस्था के समय माताओं को अच्छा खाना है और अच्छी संगति बैठना है, और किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये कंस जो था ना, कंस हो सके तो माताओं को गर्भावस्था में मायके भी नहीं जाना है। ये कंस ऐसा नहीं है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था, नहीं, गलत। ये महाराज जो पवन रेखा थी, ये पहले से ही गर्भवती थी, ये मायके में गई थी सिर्फ और सिर्फ दुर्मिलिक नामक राक्षस की नजर पड़ी, और नजर पड़ने से वो राक्षस पैदा हुआ था।
क्योंकि कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई और 5 बहनें हैं, ये भागवत का प्रमाण है। तो माताओं को बहुत कायदे के कपड़े पहनने हैं गर्भावस्था में, और कपड़े तो हमेशा ढंग से ही पहनो। आजकल तो वो पेट पूरा खुला ही दिखाई देता है, पता नहीं कौन सी तरीके की आप साड़ी बांधती हो। अरे ढंग से पहना करो। अब मैं तो एक दिन बोल दूंगी, मैं तो चली जाऊंगी, वो आपका मन है क्या करना है, लेकिन वो जब तक शरीर दिखाई न दे तब तक तुम्हारा वो साड़ी पहनना ही ढंग का नहीं होता। अब तो साड़ी तो छोड़ दो। पहले जब माताएं अपने बच्चों का मुंह धोती थी तो साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछ देती थी, और अब तो कुछ पूछो ही मत। मैया की शादी हुए जाए बहन की, तो वो टी शर्ट लोअर में घूम रही, तो साड़ी को पल्लू कौन धरू। संस्कार ही सब खत्म हो गए, अब बच्चों को संस्कार क्या दोगे। यहाँ दादा बाबा नारद बोले लौट जा। मैया जब लौट के आई तो टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में लेट गई। विचार कर रही ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे घर में बेटा पैदा होगा। रात्रि भर सोती रही, सुबह वही राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवान वापस आए, उन्होंने छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज एक हिरण का पीछा करते करते चले गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवाने आते ही होंगे। सो गई। रात्रि में जब राजा लौट के आए तो हुआ ऐसा, अरे सो खनी तमें सो